नमस्कार, डोगरी खबरें तुसे सबने दा स्वागत है। मैं सरबजीत कौर ते लो पाचे ध्याड़े दे लेखे जोखे पर। जम्मू कश्मीर दे पुंछ जिले च आतंकवादियों एक फौजी चौकी उपर ग्रेनेड कन्नै हमला कीता, पर राहत आली गल है जे इस हमले च कुसे दे भी मारे जाने की खबर नहीं है। आतंकवादियों फौज की चौकी उपर दो ग्रेनेड सुटे, जिंदे चा एक गै फटिया। इस घटना उपरांत सुरक्षा बल आतंकवादियों की पकड़ने ताई एक बड़ा अभियान आरंभ कर दिता। आतंकवादियों सेना दे चौकी दे पिछे सुरनकोट इलाके च स्थित एक फौजी कैंप उपर हमला कीता। आतंकवादियों आसिया सुटे गए एक ग्रेनेड का सेफ्टी पिन फौजी कैंप की कंध को लगा। इस घटना परंत सुरक्षा बल आतंकवादियों की पकड़ने ताई एक बड़ा अभियान शुरू कर दिता है। पुंछ दी बख-बख थारे पर तलाशी लेती जा करती है। पुंछ किले के आले दुआले भी तलाशी लेती जा रही है। इस संबंध में साढ़े संवाददाता निपुण खजूरिया ने पुंछ थमां और मती जानकारी सांझी की। नमस्कार दर्शकों, टेक वन देख रहे हैं आप और मैं हूं निपुण खजूरिया। आपको बताऊं कि बीती रात सुरनकोट टोन में जो ITI जो ब्लॉक था वहां उसके बाहर एक ग्रेनेड ब्लास्ट होता है, उसके बाद जो है पूरी तरह से जो चौकसी जो है वो पूंछ के डिस्ट्रिक्ट के हर इलाके में जो है बढ़ा गई है। आपको बताऊं कि आज भी पूंछ के अलग अलग एरियो में पूंछ की SOG CRPF और भारतीय सेना द्वारा अलग अलग जगह पे जो है सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे किस तरह से जो है सर्च ऑपरेशन के दौरान जो SOG की टुकड़ी है, ये यहाँ का हिस्टोरिकल प्लेस जो किला है पूंछ का किला फोर्ट, वहाँ पर भी आके जो यहाँ के इर्द गिर्द के इलाके हैं उनके भी चारों तरफ से घेराबंदी करके उस इलाके को यहाँ पर चेक किया जा रहा है और पूरी तरह से हर आने जाने वाले संदिग्ध व्यक्ति पर जो है वो नज़र डाली जा रही है। क्या कहना चाहेंगे जो आज इस तरह का जो माहौल बना हुआ है, जगह जगह जो है SOG की टुकड़ी जो है पूरी रूटीन में ये चल रहा है। रूटीन बीती रात का जो सुरनकोट में जो ग्रेनेड, उसका मैं जिम्मेदार नहीं, मैं अपने एरिया का जिम्मेदार हूँ, मैं वहाँ का बता सकता। आज चौधरी साहब ने किस तरह ने कहा कि हम अपने एरिया के जिम्मेदार, क्योंकि वो पुंछ सिटी के जो है पुंछ के डिस्ट्रिक्ट के जो सिटी एरिया है उस एरिया के जो है वो उनकी जिम्मेवारी है और उन्होंने पूरी तरह से यहाँ पर पैनी नज़र बनाई हुई है। और हालांकि सुरनकोट मामले पर उन्होंने अपनी चुप्पी साधी और उन्होंने कहा है कि इस पर मैं कोई जिम्मेवार नहीं और उसकी बारे में कोई बात नहीं करना चाहता हूँ, तो हाँ वहाँ के जो ऑफिसर हैं वो उससे उनसे बात की जाए। लेकिन मैं पूंछ की बात करूँ तो इस समय पूंछ में SOG की टुकड़ी जो है पूरी तरह से पैनी नज़र बनाई हुई है, हर आने जाने वाले व्यक्ति की जो है अच्छे से चेकिंग की जा रही है और उनसे अच्छे से पूछताछ की जा रही है। टेक वन के लिए डिस्ट्रिक्ट पूंछ से मैं निपुण खजूरिया। विश्नाथ बाड़ी ब्रह्मा सड़क पर एक मेटाडोर पलटने करी स्कूली विद्यार्थी समेत 6 लोग घायल हो गए। हादसे का कारण तेज रफ्तार दसा जाता है। जख्मी की इलाज ताई नेड़मे अस्पताल पहुंचाई दिता गया है। पूरी बात ये हुई, सुबह सुबह बच्चे खड़े थे, हम जो है जो दो गाड़ी पीछे से आ रही थी, जब जैसे किसी भी ये टाइम पर गाड़ी चलती थी कहीं इधर कभी या तो हॉस्पिटल ड्राइवर जैसे हो क्या पता, जैसे जहाँ गाड़ी पहुँची जो तो ये उल्ट गई गाड़ी यहाँ की, उसमें किसान का 20-25 बच्चे थे, लेकिन लोगों ने जैसे आए लोगों ने जो हो गया कटा, लोगों ने बड़ी मुश्किल से बच्चों को बाहर निकाला। बाहर निकालने के बाद उसमें बच्चे ऐसे भी थे जिनको चोटें लगी हुई थी, उनको हम अपने घर में ले गए, उनको जो भी हुई हमने उनको हौसला अफजाई की उनको, लेकिन बच्चे वो फिर भी अभी हॉस्पिटल लेके गए हैं, उनके पेरेंट आए हैं हॉस्पिटल लेके गए हैं, आगे के क्या किसी को लगी है कितनी लगी है वो तो मेडिकल इशू ही है ना। बाकी ये है हमारे गुजार से कि यहाँ तक पुलिस को भी हमने नंबर देने रिपोर्ट की, लेकिन वो भी कोई आधे आधे घंटे के बाद ही यहाँ पहुँचे। अगर अगर बाइक वाले को बचती तो उनका तो कुछ नहीं होता, तो हमने बड़ी मुश्किल से अपने आप को संभाला और इसलिए हम बच गए, नहीं तो हमारा। एक कौन से स्कूल की गाड़ी थी? गाड़ी ये लोकली गाड़ी। अच्छा, आप इसमें थे? हम सारे इसमें थे। अच्छा, आपका क्या नाम बेटा? दीपक। दीपक, क्या वाक्य हुआ थोड़ा बताएं। कुछ नहीं हुआ, पीछे जो गाड़ी थी ना ये पहले से ही तेज था, वो भी तेज था, इन्होंने ये इससे भी आगे जाने की कोशिश कर रहा था, इसने कट कुट मारे, इससे बैलेंस नहीं हुआ, ओवरटेक करने के ओवरटेक कर रहा, पीछे वाला ओवरटेक कर रहा था, इसने करने नहीं दिया, इसकी वजह से इसने कट मारे, वो सीधा इससे हट गया, अगर इससे पहले गिर जाता तो वो बाइक वाले भी ज्यादा। इसमें बच्चे थे? हाँ बच्चे थे, चार चार हम थे, तीन लड़कियां थी, उनको ज्यादा लगी है। अच्छा। हम तो पीछे हम संभल गए, वो आगे थे, वो आगे उस साइड इस साइड को पड़े। आप इसी गाड़ी में थे? हाँ हम सब इसी के थे। कोटली मियां फतेह ग्रां दे रिंग रोड कोल इक मोटरसाइकिल सवार ते एक ऑल्टो कार दी टक्कर होई गई, जिहदे च इक जोड़ा पति पत्नी गंभीर तौर पर घायल होई गए। कार ड्राइवर ने उन्हें बिश्नाह उप जिला अस्पताल भर्ती करवाया, जिथुआ डॉक्टर उन्हें बेहतर इलाज ताई GMC जम्मू रेफर कर दिता।
नौगरा बिश्ना एक बड़ा तगड़ा कनेक्ट है लेकिन इसे टूटी है रोड। रिंग रोड बनने का बड़े एक्सीडेंट का कारण बने है। अज इतों तक गड्डी जा रही आटो थोड़े सामने लगी नज़र मारो ये हालत देखो ये जा रही ही उधर रोंग साइड एक बाइक पर आ रहा है अननोन परसन बंदा ओद जनानी ही वो बजे ये कहने इस बंदे भी नुकसान हो हालांकि उन्हें भी नुकसान होगा लेकिन वो हॉस्पिटल पुजे ने पजाई जी एम्बूलेंस मौके पर आई उन्हें पजाई मौके पर पुजी हर चीज़ पुजी हर बंदा आई है तो हर मौके पर आई है लेकिन असं ये चीज़ चाहते हैं कि इतने एक नाका होना चाहिए रेड लाइट होनी चाहिए स्पीड ब्रेकर होनी चाहिए कि इतों निकले कि स्लो निकले वो भी के ऑन द वे इफ्तीपुर नौगरा होगा इस चीजा मुफ्ती और यवंतीपोरा से बिजबिहाड़ा दे राहीं पुलवामा च रेलवे लाइन बनाने का विरोध किया। मीडिया कन्ने गलबात करते उन्हें आखिया जे सरकार की इस रेलवे लाइन की गैर राई बाई वाली जिमी बनाना चाहिए कि जे एदा सीधा असर लोगों की रोजी रोटी उपर पोग। कमिश्नरी सब इंस्पेक्टर धनराज कांस्टेबल विशाल शर्मा कांस्टेबल शीतल एंड कांस्टेबल धर्मेंद्र एक्शन हो रही है और खास तौर से जो रेलवे की लाइन है द प्रपोज रेलवे लाइन विच विल स्टार्ट फ्रॉम पुलवामा थ्रू अवंतीपोरा एंड बिजबिहाड़ा इट इज वेरी रॉन्ग। सबसे पहले एग्रीकल्चरल ट्रैक्ट ऑफ लैंड है विच इज वेरी फर्टाइल यहाँ लोगों के ऑर्चर्ड्स है हमने खुद देखा बिजबिहाड़ा में लोग कैसे प्रोटेस्ट कर रहे हैं क्योंकि स्ट्रेट अवे आप उनके लाइवलीहुड को अटैक कर रहे हैं। अगर आपको रेलवे कंस्ट्रक्ट भी करना है सो आई एम श्योर यू कैन टेक अप नॉन एग्रीकल्चरल लैंड्स। यहाँ पे एक बहाने या दूसरे से जो लोगों का जो रहना है लाइवलीहुड है उनका गुजारा है पेट का सवाल है उनका जो लाइवलीहुड है यहाँ की जो एडमिनिस्ट्रेशन है एलजी एडमिनिस्ट्रेशन है एमएचए से ऑर्डर्स आ रहे हैं दे आर क्रिमिनलाइजिंग देयर लाइवलीहुड। हमने खुद देखा जो पब्लिक एम्प्लॉयज़ भी हैं गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं उनको कैसे टर्मिनेट किया जा रहा है सर्विस से और जो ये फर्टाइल एग्रीकल्चरल लैंड है वो भी अब आप उनसे छीन रहे हैं। सैटेलाइट टाउन्स बना रहे हैं विदाउट एनी प्लानिंग कंस्ट्रक्शन कोई अर्बन प्लानिंग में आप ये नहीं देख रहे कि कश्मीर की इकोलॉजी कितनी फ्रेजाइल है। सो आप हर तरीके से यहाँ के जो लोग हैं उनकी लाइवलीहुड उनके गुजारे को आप अटैक कर रहे हैं एंड यू आर अटैकिंग देयर आइडेंटिटी इन एवरी पॉसिबल मैनर यू आर मेकिंग देम फील इनसिक्योर। यहाँ लोगों के बीच में इतनी इनसिक्योरिटी है और यहाँ जो एलजी एडमिनिस्ट्रेशन है मेरी उनसे यही गुजारिश होगी कि जो बिजबिहाड़ा के लोग हैं उनका जो आप एग्रीकल्चरल लैंड है उसके थ्रू आप रेलवे की ये लाइन नहीं बनाइए। प्लीज़ कीप टेक एवरीथिंग इनटू कंसिडरेशन एंड देन टेक यू नो अ सूटेबल डिसीजन। इससे कुछ एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं होगी। आप अनएम्प्लॉयमेंट आप देखिए वेर है 38% और आप दूसरी चीज़ देखिए ऑल्दो यहाँ अब एक लोकल पॉपुलर इलेक्टेड गवर्नमेंट है फिर भी यहाँ कितने एम्प्लॉयज़ को टर्मिनेट किया जा रहा है और कोई भी इस पर बात नहीं किया जा रहा है। वी हैव एन इलेक्टेड गवर्नमेंट दे शुड मेक श्योर कि जो एम्प्लॉयज़ हैं जो टर्मिनेट हो रहे हैं सर्विस से वो टर्मिनेट ना हो। अभी हाल ही में आई थिंक 4 एम्प्लॉयज़ को टर्मिनेट किया गया तो ये तो बहुत सीरियस इशू है कश्मीर जैसे स्टेट में जम्मू कश्मीर में जहां आपको पता है प्राइवेट सेक्टर नहीं है पब्लिक सेक्टर ही डोमिनेंट है वहां भी आप लोगों को फायर कर रहे हैं ऑन फ्लिमजी चार्जेस की किसी फलाना का एक्स कोई रिलेटिव था वो मिलिटेंट था उसने सरेंडर किया आप उस बेसिस पे फायर कर रहे हैं। फेसबुक के पे कोई पोस्ट डाली थी 15 साल पहले सो दैट्स नॉट डन। जम्मू कश्मीर पुलिस ने बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए तकरीबन 15 लाख रुपए के चोरी के मोबाइल फोन बरामद किए। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस दौरान एसपी साउथ अजय शर्मा और चोरी के मोबाइल फोन बरामद होने बारे जानकारी दी। उन्हें लोगों की आखे जो सतर्क रहो ते जेकर कोई मोबाइल फोन लापता हो जाता है तो फौरन कार्रवाई लई संबंधित थाने की सूचित करन। दैट टीम इज लेड बाय प्रोबेशनरी सब इंस्पेक्टर धनराज कांस्टेबल विशाल शर्मा कांस्टेबल शीतल एंड कांस्टेबल धर्मेंद्र। इनकी डेडिकेटेड एफर्ट से वेरियस पार्ट्स ऑफ कंट्री के अंदर जो मोबाइल फोन जम्मू से गए थे सम ऑफ देम वर लॉस्ट दे हैव बीन रिकवर्ड और ये सारे आपके सामने डिस्प्ले के ऊपर है। मैं 3 चीज़ों के ऊपर फोकस करना चाहूँगा आपके माध्यम से सभी जम्मू वासियों का और अदर व्यूअर्स का भी ऑल्सो उनको अवगत करवाना चाहूँगा कुछ चीज़ों से कुछ टिप्स के साथ जो कि उनके लिए यूज़फुल रहेंगे। अगर कभी भी आपका मोबाइल फ़ोन मिसप्लेस हो जाता है या चोरी हो जाता है आप उसकी रिपोर्ट इमीडिएटली नियरेस्ट पुलिस स्टेशन या पुलिस चौकी के अंदर जाके करवाइए।
number one. Number two, there is a portal which is run by the Ministry of Communication. उसका नाम है CEIR, Central Equipment Identity Registry, CEIR. इसके अंदर जब इस पोर्टल पे आप जाते हैं तो आपके पास IMEI नंबर जो है अपना, उसको आप ब्लॉक कर सकते हैं. ब्लॉक करने से क्या होगा कि आपका फ़ोन जो है, जैसे ही वो ऑन होगा, IMEI नंबर एक बार ब्लॉक हो गया तो दैट विल नॉट बी यूज बाई दैट पर्सन. एट द सेम टाइम अगर वो फ़ोन आपको मिल जाता है वापस, तो आप उसी IMEI नंबर को अनब्लॉक भी कर सकते हैं. सेकेंड, अपने फ़ोन का ख्याल रखें, ध्यान रखें उसका. होता क्या है कि वेन एवर यू आर गोइंग टू सम शॉप, यू आर ट्रेवलिंग इन ए फ्लाइट आर इन ए बस आर इन ए कार, कहीं पे भी आप जा रहे हैं, तो यूजुअली क्या होता है कि फ़ोन वहाँ पे रह जाता है. ख़ास करके जो भीड़ रेलवे स्टेशन जैसी जो जगह है, जहाँ मार्केट्स हैं विच आर ओवरक्राउडेड, तो उस टाइम आपको आपके माइंड में एक अलर्ट होना चाहिए कि मेरे हाथ में मेरा मोबाइल फ़ोन है, मैं इसको कहाँ रख रहा हूँ, किस तरीके से इसका ख्याल रखना है. थर्ड थिंग ऑल्सो, जो ट्रस्टेड ऐप्स हैं, बिकॉज आजकल साइबर फ्रॉड बहुत ज़्यादा हो रहा है, ओनली ट्रस्टेड ऐप्स जो कि प्ले स्टोर से डाउनलोड होती हैं, उन्हीं को आप करें. बहुत ज़्यादा फ़ोन को ओवरलोड ना करें, इससे एक तो आपका फ़ोन जो है वो स्लो भी हो जाएगा, सेकेंडली जो आपकी वाइटल इंफॉर्मेशंस हैं, दे कैन ऑल्सो बी काइंड ऑफ वो आपके फ़ोन से किसी और थ्रू इंटरनेट ट्रांसफ़र हो सकती हैं, और वो आपके लिए हानिकारक होगा. ਉਸ ਦੀ ਕਾਊਂਟਰ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੰਗ ਨੇ ਸੈਂਟਰਲ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ. ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਜੇ ਕਾਊਂਟਰ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੈ. ਸਵੇਰ ਉਹਨੇ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲੇ ਗਿਆ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਰੈਨਾਵਾੜੀ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਸੈਂਟਰਲ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਕਰ ਲੈਤੀ ਤੇ ਬੈਰਕ ਦੀ ਤਪਾਸ਼ੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ. ਇਹ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਇਸ ਵਰ੍ਹੇ ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਦੋ ਗੁੱਟੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਈ ਦੀ ਝੜਫੇ ਦੀ ਪਿੱਛਭੂਮੀ 'ਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ. 2018 'ਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕੈਦੀਆਂ ਸਮਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਮਗਰਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਏ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ. ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਹਿੰਦੂ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਧਾਰਮਿਕ ਥਾਰੇ ਉੱਪਰ ਹੋਏ ਦੇ ਹਮਲੇ ਖਿਲਾਫ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਜਰੰਗ ਦਲ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ. ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ 'ਚ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਵੀ ਫੂਕਿਆ ਗਿਆ. ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਖਿਲਾਫ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮਤਿਹਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਦੱਸੀ. नमस्कार, आप देख रहे हैं टेक वन. मैं हूं श्याम सुंदर, इस वक्त बीसी रोड में है, और बजरंग दल, राष्ट्रीय बजरंग दल द्वारा जो है बांग्लादेश के खिलाफ जो है वो प्रदर्शन जो है वो किया जा रहा है, जिस तरह से हिंदुओं पे हो रहे अत्याचारों को लेकर, और उनकी जो प्रॉपर्टी है उसको नुकसान जो मंदिरों को पहुंचाया जा रहा है, उसके खिलाफ जो है बांग्लादेश के खिलाफ जो है वो प्रदर्शन जो है वो किया जा रहा है राष्ट्रीय बजरंग दल की तरफ से. मारा करने जा रहा है इनका, हिंदुओं को सेव करने का काम जो है वो केंद्र सरकार करे. जम्मू कश्मीर है पूरा विश्व, भारत के अंदर जितने बांग्लादेशी हैं, इनको भगाने का काम जो है वो भारत से किया जाए, और सरकार इसमें पहल करे. और जितना भी यहाँ पर निर्यात, जो सामान बांग्लादेश में निर्यात किया जा रहा है, वो सारा बंद होना चाहिए, ताकि ये लोग भूखे मरे. खा हिंदुस्तान कर रहे हैं, बिजली हिंदुस्तान की ले रहे हैं, और हमारे हिंदू के ऊपर हमले, ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. ये मांग हम केंद्र सरकार से कर रहे हैं. अगर इन चीजों को बांग्लादेश जहाँ संभलता नहीं है, तो लगातार इस तरह के प्रदर्शन जो है वो जारी रहेंगे. टेकवन की तमाम बड़ी अपडेट डिजिटली प्राप्त करने के लिए आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं. हमारा व्हाट्सअप नंबर है 9728253663. वीडियो जर्नलिस्ट राजकुमार चौहान के साथ श्याम सुंदर, टेकवन, जम्मू.
कश्मीर घाटी च जबरदस्त शीतलहर चला करदी है, जिस कारण तापमान सिफर थमां खल आई गया है ते ठंड भी बड़ी मती बधी गई है। श्रीनगर ते आले दुआले दे खेतरें दे लोक मती ठंड शा बचने ताई ते गर्म रौहने लई अग सेकीए ते कांगड़ी दा सहारा लै करदे ने। जी अभी कुछ दिनों से यहाँ पे बहुत ज्यादा ठंड हो रही है। श्रीनगर में अभी जो है ना माइनस टेम्परेचर चला गया है, जो माउंटेनी एरिया है वहाँ पे तो ज्यादा ही माइनस चल रहा है। अभी जो है श्रीनगर में भी बहुत ज्यादा ठंड हो रही है, तो अभी हम यहाँ पे आए हैं और आग जला रहे थे, और जब यहाँ पे आते हैं चाहे बाइक पे आए या पैदल आए तो हाँ बहुत ठंड लगती है, जिस वजह से हमें जो है ना आग जलानी पड़ती है। अब ऊपर वाले से दुआ करते हैं कि इसको कुछ बर्फ या बारिश यहाँ पे भी हो जाए, ताकि इस ठंड की वजह से जो है ना जितने क्राइसिस हुए हैं, चाहे हमारा नज़ला है, जुकाम है, या बहुत सारी जो ऐसी बीमारियां हैं जो इस खुश्की की वजह से हो रही है, माइनस की वजह से हो रही है, अगर बर्फ हो जाएगी या बारिश हो जाएगी तो उसकी वजह से यहाँ पे जो माइनस इतना ज्यादा हो रहा है तो इसको भी बहुत ज्यादा फर्क होगा। यहाँ बहुत ठंड होती है, हमने आग भी जलाई हुई है, आप देख सकते हो यहाँ पर आग भी जलाई हुई है, और ठंड भी, हमने टोपा पहना हुआ है, फेरम पहना हुआ है, और ठंड बहुत है। तो सुबह सुबह निकलने में कितनी मुश्किल हो रही है? बहुत मुश्किल होती है, क्योंकि हम स्कूटी से बाइक से आ रहे हैं, तो अभी ठंड लग रही है, तो इसलिए हमने आग जलाई हुई है। तो काफी एक दो दिनों से काफी ठंड है। हाँ बहुत ठंड है ये। बचने के लिए हम टोपी लगाते हैं सर पे, और फेरन लगाया हमने, जो कश्मीरी का नॉर्मल टी है जो हम पहनते हैं फेरन सुबह सुबह, ये कश्मीरियों की पहचान है यहाँ की। तो एहतियात करना चाहिए सर्दी में? हाँ बहुत एहतियात करना चाहिए। पुलवामा जिले च एक 50 बरे दे बुजुर्ग उपर कथित तौर पर तेजाब करने हमला किया गया, जेदे चो घायल हो गया। पीड़ित की पहचान मोहम्मद शफी के तौर पर की गई है, जिसे फौरन इलाज लई स्किम्स सोरा भेजी दिता गया। परिवार के सदस्य ने दसा जी हमला किसी अनजान व्यक्ति आसिया किया गया। संबंधित पुलिस ने इस मामले की दर्ज कर लिया है, इस बारे और मती जांच जारी है। दुकान चलावान बेचमिस पानी करीबी करीबी दुकान त्रिमन दुकान रात शे पे साढ़ शे तान सत बजे तान गुम साढ़ शे पे सत बजे तान वाक गुमत अमिच पान दुकान कोरमुत बंद अमिस लकुट ब्रदर अमिस नश दुकान तथि यह अक्सर तुहद बचन की तना चाकलेट अमिश दुम ठहर ये यह गुत बेस दुकान पे चाकलेटन यह ओसमुत वापस यहां अमिश गोड चलम शटलस कं पेट कि ताकि दी पोत नजर अमिस पे करो बुथिस अटैक अमिश कर्म अम नम दम अमिश कल नम रोम हू तो पे आमुत एसड लगा यह कि वनकस गो अमिस तकरीबन तकरीबन आसान शाज शाजमर्ग मार्केटस मज दुकान डोड हथ वस गो अमिस पगह हे बेस सत कल बेस सत अम पे बेस सत अगर अमिस वनकस नोन अमिस लगे सबक ब्या हे दूर अम नश रोज बाकी हेकन सेफ सान डिमांड बे क्या। जेएमसी कमिश्नर डॉक्टर देवांश यादव और जम्मू च स्वच्छ शौचालय अभियान 2024 का शुभारंभ किया। इस पहलकदमी का मकसद शहर भर च सार्वजनिक शौचालय की साफ सफाई, रख रखाव ते सुंदरता च वाधा करना है। मीडिया कन्नै गलबात करते हुए डॉक्टर देवांश यादव और लोगों के लिए स्वच्छता सहूलतें च सुधार आने उपर इस अभियान के महत्व उपर लो पाई। भारत सरकार ने एक क्लीन टॉयलेट कैंपेन शुरू किया है, जिसमें हर सिटी का आकलन किया जाएगा कि वहाँ के कितने टॉयलेट साफ़ हैं। हम लोगों ने जेएमसी के अंडर देखा लगभग 80 टॉयलेट्स हैं। उन 80 टॉयलेट्स में हम लोगों ने जो भी बेसिक सुविधाएं होती थी वो दी, लेकिन उनका मेंटेनेंस उस तरह से नहीं हो पाया जितना हम चाहते थे। इस कैंपेन के अंडर जो हम शुरुआत कर रहे हैं, हर एक स्वच्छता एम्बेसडर को एक टॉयलेट दे रहे हैं। वो स्वच्छता एम्बेसडर सिटीजन से फीडबैक लेगा, अगर टॉयलेट साफ़ नहीं है तो हमारी टीम को तुरंत बताएगा। वहाँ पे अगर कोई चीज़ ब्रोकन है, बिजली नहीं आ रही है, पानी नहीं आ रहा है, बेसिक सफाई नहीं है, गेट में लॉक नहीं लग रहा है, वो सारी सुविधाएं हमारे को फीडबैक दे के सही करवाएगा। और इससे कम्युनिटी एंगेज होगी, क्योंकि स्वच्छता में जैसा आप सभी को पता है कम्युनिटी का जन भागीदारी का रोल बहुत अहम है। एक बार कम्युनिटी एंगेज हमारे साथ होगी तो मुझे लगता है हमारे जम्मू के जितने भी सारे पब्लिक टॉयलेट्स हैं ये बहुत अच्छी तरह चलेंगे, और हमको सिटीजन से जो फीडबैक मिलेगा उससे हम कंटिन्यूसली इम्प्रूव होंगे। ये सारे स्मार्ट टॉयलेट्स हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे एक QR कोड का फीडबैक सिस्टम भी है,
कोई भी QR कोड स्कैन करके फीडबैक दे सकता है। लेडीज़ के लिए सैनिटरी पैड डिस्पेंसर भी है। हम लोग अपने टॉयलेट्स को डिसेबल फ्रेंडली, चाइल्ड फ्रेंडली भी बनाने की राह पे हैं और आने वाले दिनों में कोशिश करेंगे कि एस्पिरेशनल टॉयलेट्स बनाएंगे जिसमें कि साथ में ATM या दुकान भी होगी और एडवर्टीजमेंट के लिए स्पेस भी होगा, ताकि वहीं से जो रेवेन्यू आएगा उसी से उस टॉयलेट का रखरखाव हो सकेगा। इससे हम लोग मेट्रो सिटीज़ की तर्ज पे जिस तरह का क्वालिटी पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर देना चाहते हैं उस तरह का जम्मू में भी दे पाएंगे। भागीदारी किस तरह से सुनिश्चित करें? हर वॉलंटियर के साथ आप लोग कोऑपरेट करें। आपके वार्ड के वॉलंटियर को हम लोग सोशल मीडिया के माध्यम से सबको बताएंगे। अपने वॉलंटियर को अच्छा फीडबैक देंगे। अपनी टॉयलेट्स का ध्यान जैसे आप अपने घर के टॉयलेट का ध्यान रखते हैं वैसे ही रखेंगे, तो जम्मू को स्वच्छ बनाने में आपका बहुत अहम रोल रहेगा और हम आपके आभारी रहेंगे। कुरुक्षेत्र च 11 दसंबर गी अंतरराष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव दा आयोजन कीता जा रहा है, जेड़ा भागवत गीता दी शिक्षा दा बड़ा त्यार है। मीडिया कन्नै गलबात करदे होए ज्ञानानंद जी महाराज होरें श्रद्धालुएं ते अनुयायियों की अपील की जो 11 दसंबर दे इस त्यौहार च शामिल होण ते गीता दे आध्यात्मिक महत्व की समझन। और 11 दिसंबर को जो एकादशी तिथि है, गीता जयंती पर्व है, और उस पर्व पर पिछले वर्ष भी एक आह्वान किया गया था कि गीता उपदेश का जो समय है दोपहर 11 बजे, 11 दिसंबर 11 बजे एक मिनट एक साथ गीता पाठ का आह्वान। वो इसलिए क्योंकि किसी भी निमित्त से हो आज बहुत बड़ी आवश्यकता है गीता के भावों से जुड़ना, कि गीता केवल किस धार्मिक आस्था का ग्रंथ नहीं है, गीता समस्याओं का समाधान है, गीता समूची मानवता की मुस्कान है। और आज जिस ढंग से समस्याएं बढ़ रही हैं, दुविधाएं बढ़ रही हैं, आशंकाएं बढ़ रही हैं, चिंताएं बढ़ रही हैं, और विश्व स्तर पर देखें तो युद्ध की भी विभीषिकाएँ बढ़ रही हैं, ऐसे में समाधान है भगवद गीता। गीता हमारे विचार में बच्चों का सुसंस्कार है जिसकी आज बहुत बड़ी आवश्यकता है। गीता युवाओं में रचनात्मक और सकारात्मक ऊर्जा का संचार है, और सब समझ सकते हैं कि आज की युवा पीढ़ी कहीं ना कहीं ड्रग एडिक्शन की ओर जो बढ़ रही है, नशों की ओर, या कहीं ना कहीं किसी बुरी संगति में पड़ कर के कहीं ना कहीं अपने जीवन मूल्यों से दूर हो रही है, कर्तव्यों से भाग रही है युवा पीढ़ी। तो गीता युवाओं में रचनात्मक ऊर्जा का संचार है, भगवद गीता परिवारों की सद्भावना और प्यार है, भगवद गीता हर रोग का उपचार है, और हमें लगता है कि भगवद गीता पूरी मानवता का श्रृंगार है। इसीलिए हमारा ये आह्वान और ये पुकार है जीव गीता की कि आओ एक शुरुआत करें, एक अच्छी शुरुआत करें। गीता जयंती के दिन 11 दिसंबर सब जुड़ें गीता जी के एक मिनट के भाव के साथ। 3 श्लोक, प्रथम श्लोक, मध्य का श्लोक 9वें अध्याय का 22वां, और अंतिम श्लोक गीता जी का 1 मिनट। जियां जियां कश्मीर च ट्यूलिप गार्डन अगले बरे दे प्रदर्शन दी तैयारी करारदा है, उआं गए जमीन दी तैयारी ते डिजाइन दा काम भी पूरा होने कोल है। माहिर इस गल्ला गी यकीनी बनाने लई पूरी लगन कन्ने काम करारदे जे मिट्टी उपजाऊ खरपतवारे थमां मुक्त ते बल्ब लाने लई तैयार होए। 90% शा मते काम पूरा कीते जाने परंत टीम पानी की निकासी से सही प्रबंधन की यकीनी बनाने पर ध्यान दे रही है। करें इस साल भी वही काम कर रहे हैं, मगर टिपट होता है जब सितंबर का महीना आता है तो हमें फिक्र लगती है जमीन मेंटेन करने की, यानी इसको खोदना, ट्रैक्टर लगाना, खाद डालना, रेत डालना, गोबर डालना, ताकि ये जमीन अच्छा हो, नमी हो, तो अगर हम इसमें बल्ब लगाए वो अच्छा से खिल सके, यही हमारी कोशिश रहती है।
तो फिर नवंबर का सीज़न स्टार्ट हो या अक्टूबर का सीज़न जब स्टार्ट होता है तो हम ये कैरी पहले उसको हम ट्रैक्टर वक्टर लगाते हैं, फिर रेट वेट डालते हैं सब कुछ, फिर हम उसके बाद हम ये कैरी बनाना स्टार्ट करते हैं। इस वक्त भी हमारा जो ये काम है, ऊपर से थोड़ा बादल भी है, इस वक्त थोड़ा मौसम चेंज ख़राब हो गया, मगर उसके बावजूद भी हम ये हम नहीं देखते हैं कि सर्दी या क्या है, तो हम दिल लगा कर काम कर रहे हैं। अब बेडिंग वेडिंग बना रहे हैं नाले, और जो अब चंद्र वो लग बेड वेड कम्प्लीट करना है, 90% में 2-4 दिन लगेंगे, अब फिर 100% कम्प्लीट हो जाएगा एक हफ्ते के अंदर अंदर। लोगों को पता होता है कि एक बार बल्ब लगा तो ये साल भर रहता है, फिर अगले साल खुद निकल आता है, ऐसी बात नहीं। इसको पूरे 11 महीने लगते हैं तैयार करने में, लैंड प्रिपरेशन, डिजाइनिंग में, बेड बनाने में, दूसरे काम होता है निकालने में, खाद, रेत और बाकी काम, पूरा 1 साल लगता है इसको पूरा तैयार करने में, फिर उसको नवम्बर दिसंबर में फिर हम लगाते हैं। ये राउंड द ईयर हमारी प्रिपरेशन चल रही है, अभी भी आप देख रहे हैं जो प्रिपरेशन, जो हमारी एम्प्लॉयज है, दे आर वर्किंग टायरलेसली इस शो को एक सक्सेसफुल और स्पेक्टेकुलर बनाने के लिए। एवरी ईयर हमारी कोशिश रहती है कि जो हमारी तरफ से, हमारे डिपार्टमेंट की तरफ से एक नई कलर स्कीम, एक वाइब्रेंट कलर स्कीम, जो विजिटर्स आए यहाँ पे वो देखें इसको और एक्सप्लोर करें टुलिप गार्डन को। जहाँ तक इसकी प्रिपरेशंस का ताल्लुक है, तो इसकी प्रिपरेशंस में पूरा साल हमें लगता है, तो चूंकि इसकी एक शॉर्ट विंडो होती है टुलिप गार्डन की, 20-25 डेज, मैक्सिमम 30 डेज तक रहता है, तो उसके जस्ट आफ्टर 1 मंथ हमारी प्रिपरेशन स्टार्ट होती है। तो प्रिपरेशन में सबसे इम्पोर्टेंट पहला स्टेप जो हमारा वीडिंग का होता है, उसके बाद हार्वेस्ट हम करते हैं, देन हमें ये स्टोरेज करनी पड़ती है टुलिप बल्ब्स की या बाकी जो बल्ब स्प्रिंग ब्लॉसम बल्ब्स हैं उनकी, उसके बाद लैंड प्रिपरेशन स्टार्ट होती है। तो लैंड प्रिपरेशन ऑलमोस्ट ओवर हो गई है, तो इंशाल्लाह जो नेक्स्ट वीक होगा हम प्लांटिंग स्टार्ट करेंगे। डोगरी खबरें चाजुबा सिन्ना के, तो इजाजत, नमस्कार।